साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और टिकटों को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने संगठन स्तर पर चर्चा और मंथन कर रहे हैं और प्रत्याशियों के नाम के ऐलान का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं प्राइम टीवी टीम अपने खास प्रोग्राम नगर संग्राम को लेकर राजधानी लखनऊ के राजा राम मोहन रॉय वार्ड की समस्याओं को जानने के लिए आम जनता का विचार जाना, जिसमें तत्कालीन पार्षद के कामों से कितना खुश हैं और नए पार्षद से क्या उम्मीद लगाए हुए हैं, सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाएं कितनी जमीन पर उतर पा रही है, देखिए हमारे इस प्रोग्राम में। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी राजनीतिक दल निकाय चुनाव में को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार जमीन पर मेहनत कर रही है। वहीं प्राइम टीवी अपने खास शो जिसमें आम जनमानस से निकाय चुनाव में जब जनप्रतिनिधि वो चुनने जाएंगे तो किन मुद्दों का ध्यान रखेंगे, इसको जानने के लिए हम राजा राम मोहन राय वार्ड में पहुँचे हैं जो राजधानी लखनऊ का एक सुप्रसिद्ध वार्ड है। हमारे साथ तमाम यहाँ के बसिंदे हैं जो यहीं रहते हैं, इनसे हम जानेंगे कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं और किन मुद्दों के साथ ये अपने जनप्रतिनिधियों को चुनेंगे। आंटी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दें और हमें ये बताएं कि चुनाव की घोषणा हो गई है, अब चुनाव होने वाला है, किन मुद्दे पर वोट देंगे? हम तो वोट देंगे, हमको हर चीज़ के लिए सुविधा मिलना चाहिए, बस मतलब और गंदगी जो है, मकान का लोग का मतलब रजिस्ट्री नहीं हुई है, मकान की रजिस्ट्री होना चाहिए जो हम लोग को पक्का मतलब सबूत हो, ये सब होना चाहिए। अगर बात की जाए तो कई क्षेत्रों में तमाम दिक्कतें होती हैं, तो अगर राजा राम मोहन रॉय वार्ड की पूछा जाए तो इसमें क्या दिक्कतें हैं जो आप आने वाले जो पार्षद होंगे अपेक्षा करेंगे कि वो पूरा करें? हमको सब ये सुविधा मिलना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। अब तो कमाना खाना तो है ही इंसान के हाथ में, मगर ये जो मकान वकान का है रजिस्ट्री और ये सफाई, ये सब होना चाहिए। आप अपना नाम बताएं, आपका क्या कहना है? के यादव, स्वच्छता को लेकर आंटी बात कर रही हैं, आप क्या कहेंगे? स्वच्छता भैया, कभी जमादार यहाँ कभी आते ही नहीं, पूरी नलियाँ हमेशा भरी रहती है और सामने देख लो, आज महीना भर से पड़ा है, कल उठा है मलबा यहाँ से, पूरी नलियाँ भरी रहती है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। अगर तत्कालीन पार्षद जो है आपको उनको 5 नंबर में नंबर देना हो तो कितने काम से आप उनके संतुष्ट हैं? पूरे 10 नंबर देंगे। अगर बात करें फिलहाल में तो सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, नगर विकास की तरफ से लगातार स्वच्छता को लेकर पीठ थपथपाया जा रहा है, कितना संतुष्ट है, कितनी योजनाएं जमीन पर उतर के नजर आती हैं? कहीं कोई नहीं है भैया, कोई योजना नहीं। देखो राशन दुई मरतबा मिलता रहा, देखो एक ही बार का यार 10 तारीख हो गई है वो नहीं मिल रहा, योजना हवा हवाई है, कोई राशन वासन नहीं मिल रहा, ना कोई योजना हम लोगों का मिल रहा। आप अपना नाम बताएं और हमें ये बताएं कि इस वार्ड में अगर बात की जाए तो क्या कमियां हैं जो आने वाले पार्षद से आप अपेक्षा रखते हैं कि वो अगर चुन के आते हैं तो जीते ये काम को पूरा करेंगे? देखिए, मैं एक समाज सेवी हूँ, इससे पहले भी मैंने तमाम मुद्दे उठाए हैं, बालू अड्डे में चाहे पानी भरा हो बाढ़ का या गंदा पानी पीने से बच्चों की मृत्यु हुई, तो मैं तमाम मुद्दों को उठाता रहा हूँ। और आप देखिए, आज पूरे वार्ड में ना तो कूड़ा उठता है, ना स्वच्छ पानी मिलता है, स्ट्रीट लाइटें सब खराब रहती हैं, ना कोई फॉगिंग हो रहा है, इतना मच्छर है आज के समय में कि आप घर में भी अपने अंदर मोर्टिन जलाइए फिर भी मच्छर इतना ज़्यादा रहता है कि आप सो नहीं सकते हैं। तो मैं समाज सेवी हूँ और इसी नाते मैं कहता हूँ कि विकास जो दर थी वो बहुत जीरो हो चुकी है, इस 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं हुआ, सिर्फ घोटाले किए हैं यहाँ के पार्षद महोदय ने। अगर बात की जाए तो आप बालू अड्डे के समाज से भी अपने आप को बता रहे हैं, कहीं ना कहीं दूषित पानी और दूषित क्षेत्र में गिना जाता है और राजधानी लखनऊ के सबसे बड़े चौराहे हजरतगंज से कुछ ही चंद दूरी पे है, क्या कहेंगे? देखिए, ये मुख्यमंत्री आवास से लगभग 1 किलोमीटर दूर है और बटलर पैलेस जो जिसमें आपका जो है मंत्रीगण और IAS ऑफिसर्स और जज सब रहते हैं, ये सबसे VVIP वार्ड है, राम मोहन राय वार्ड। उसके बाद आप जाइए
कूड़ा डंपिंग पड़ा है, चार पाँच दिन कूड़ा नहीं उठता है, नालियों को तो सफाई होती नहीं है बिल्कुल भी, और पानी अगर बारिश अगर एक घंटे की बारिश हो जाए तो पूरा समुंदर में तब्दील हो जाता है एरिया, तो विकास नाम की जीरो है। और सीवेज की व्यवस्था कैसी, सीवेज अगर दिक्कत हो तभी तो पानी यहाँ से निकल नहीं पाता। देखिए सीवर तो जिस कंपनी को स्वेज कंपनी को दिया गया है जो कॉन्ट्रैक्ट, वो तो कोई सफाई नहीं करती है, जब आपकी कंप्लेंट होती है आती है और सफाई करके चली जाती है, तो सीवेज का भी सिस्टम चेंज करना चाहिए, गवर्नमेंट को अपने अंडर में लेना चाहिए। जब गवर्नमेंट स्वयं इसको करती थी तो ज़्यादा बेटर थी, प्राइवेटेशन होने के बाद चाहे स्ट्रीट लाइट हो चाहे सीवर हो चाहे पानी हो और प्रॉब्लम ही पैदा हुई है। जी हम कुछ युवा हैं उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब चुनाव है पार्षदी का, किन मुद्दों को रख के आप अपने पार्षद को चुनेंगे? साफ सफाई ठीक है और बाकी व्यवस्था पुलिस की, ये सब ढंग की होनी चाहिए बस। अगर कमियों की बात करें, अच्छाइयों की बात करें, तो आप अपने वार्ड से कितना खुश हैं और क्या कमियां हैं क्या अच्छाइयां हैं? थोड़ी बहुत तो कमियां ही रहती हैं ठीक है, रोड देख रहे हैं आप खुद ही, अभी जो बनाई गई है तो थोड़े बहुत नए पत्थर लगाए हैं, बाकी सब पुराने लगा दिए गए हैं, और जैसा कि राकेश भाई ने कहा बारिश होती है तो सब भर जाता है, सफाई नहीं होती है, नाला भी काफ़ी गंदा है, तब से सफाई कोई नामी निशानी नहीं है, तो यही सब कमियां हैं थोड़ी बहुत इस वार्ड से। और कुछ यहां लोग हैं जनता है उनसे हम बात करेंगे। आप अपना नाम बताएं और बात करें तो निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है, अब आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे तो किन मुद्दों को लेकर उन्हें चुनेंगे? क्या चुनेंगे क्या, यहां पर बहुत गंदगी रहती है, सफाई नहीं होती है, नाले भर जाते हैं, पाइप टूटे हैं, समय से कूड़ा उठता है नहीं उठता है, डस्टबिन लगाई गई है क्या परस्पर जो उसका कूड़ा होता है उसे उठाया जाता है? यार 3 महीना हो गया है वही सीवर में जुड़ रहा है, नाली में पानी जा रहा है, वही सब पीते हैं, आज 3 महीने से हम लोग कर चुके हैं, चौधरी जी भी बोले तब भी नहीं हो रहा है काम। देखिए मैं अभी आपको बताऊं, एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, क्योंकि इस क्षेत्र में गंदा पानी क्यों पीते हैं ठीक है। अभी जल कल की सप्लाई अभी क्योंकि 6 बजे तो अभी आई है, देखिए आप कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे, ये ताज़ा पानी है और ये नाला है, नाले के पास में पाइपलाइन फटी है, यही पानी फिर बाद में जो है पीने के पानी में जाता है, ये वजह, ये मेन लाइन फटी हुई है और मेन लाइन फटी है यही पानी पूरी मोहल्ला पी रहा है, जो गंदा पानी अभी अगर नल में चेक करेंगे बोतल में तो पूरा पानी गंदा होगा एकदम से, तो व्यवस्था कुछ नहीं है। अभी ये गली बनी है, इसका टेंडर हुआ नहीं का, मगर कहीं कहीं पे इन्होंने इंटरलॉक लगाई, कहीं पे 1 मीटर बदला, कहीं पे 2 मीटर, और पुरानी ईटा ही लगा दी, इसकी जांच कराई है। अब ये देखिए नाला पूरा पटा हुआ, पत्थर डाल दिए हैं, आप देखिए भ्रष्टाचार अगर आपको देखना है नगर निगम का, पूरा नाला पट रहा है, ये पत्थर डाल दिए हैं, अब उस नाले की सफाई करने के लिए वो पत्थर तोड़ने पड़ेंगे, लाखों रुपए का टेंडर करके अभी पत्थर 1 हफ्ते पहले डले हैं पूरे नाले पे, मगर नाला पूरा भरा हुआ है, अब वो पत्थर तोड़ने पड़ेंगे, फिर वो नाला साफ होगा, फिर से पत्थर बनेंगे। नगर निगम यही काम करती है, क्योंकि अप्रैल का महीना था, मार्च का महीना था, क्लोजिंग थी, फंड बचा हुआ था। जो नए आपके पार्षद होंगे क्या उन आपको अपेक्षा होगी कि जो तमाम दिक्कतें हैं वो उसको सही करें अगर वो चुन के आते हैं तो, चाहे वो किसी दल के हों? देखिए जो भी पार्षद जीत के आए, कोई भी विकास होना चाहिए जनता का, और जब तक विकास नहीं होगा जनता, अब वो रियासत वाली चीज़ें नहीं चलेंगी कि 20 साल से एक ही व्यक्ति जीतता रहा है तो वही जीतेगा, अब की बार जनता ने मूड बना लिया है, पार्षद जी को हराना है और नए युवा को यहाँ पे पार्षद बनाना है। जी तो यहाँ आप साफ तौर से देख रहे हैं कि सीवर का जो पानी है वो इंटरलॉकिंग की जो सड़क है उससे कहीं ना कहीं रिश्ता हुआ नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर से अगर आपने देखा कि यहाँ राजा राम मोहन राय वार्ड के तमाम जो बसिंदे थे जिन्होंने तमाम दिक्कतों को बताया, अच्छाइयों को बताया, अब देखने वाली बात ये होगी कि जो नए पार्षद आते हैं उन पे कितने कामों को वो दुरुस्त करा पाते हैं। कैमरामैन विजय के साथ विभान सुप्राइम टीवी लखनऊ। नगर संग्राम में अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।